Hello guys, welcome to Unacademy Catalyst. Please like, share and subscribe the red bell icon. You can follow Unacademy Catalyst on Telegram to get exam related news, the classes which are getting conducted on Unacademy, the courses which are getting launched on Unacademy by various top educators of Unacademy. And you can download Unacademy app and can watch special classes for free and can experience Unacademy for free. Okay, guys, in this session we will be discussing about one of the topics of games and tournament. Basically, you can say that the topic which we are going to discuss today is a subtopic of games and tournament, which is the topic of picking coins. हेलो तौसीफ, क्या हाल चाल? हेलो लक्की, हेलो घनशाला जी, हेलो 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 हेलो। ओके, बेसिकली अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट इज बेस्ड ऑन पिकिंग कॉइन्स। मतलब आप कॉइन्स पिक करते हैं, ठीक है? सपोज देयर आर अ टोटल नंबर, सपोज देयर आर अ टोटल नंबर ऑफ एन कॉइन्स। टोटल हमारे पास एन कॉइन्स हैं, दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी, हमारे दो फ्रेंड्स हैं ए एंड बी। अब ए और बी के बीच में इन एन कॉइन्स में दे स्टार्ट पिकिंग कॉइन्स। सपोज कि ए पहले एक कॉइन लेता है, ए वन कॉइन उठाता है, देन बी उठाएगा, देन ए उठाएगा, देन कंटिन्यूसली इनका चेंज चलता रहेगा। बट दे डिसाइड, देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशन वाइल पिकिंग कॉइन्स वाला क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है। तो पहला कंडीशन क्या होता है? हुएवर पिक्स द लास्ट कॉइन, हुएवर पिक्स द लास्ट कॉइन ही विल विन। हेलो रिया वर्मा, हुएवर विल पिक्स द लास्ट कॉइन ही विल विन। और सेकेंड सिचुएशन, हुएवर पिक्स द लास्ट कॉइन ही विल लूज। तो यहाँ पे दो टाइप की सिचुएशन एग्जिस्ट करती हैं कि जो भी आपका लास्ट कॉइन उठाएगा वो या तो हारेगा या तो वो जीतेगा। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि अब आपको ट्राई करना है कि दूसरे वाला बंदा, अब सपोज करो ए एंड बी दो लोग कॉइन्स उठाना स्टार्ट करते हैं, ए चाहता है कि वो जीते, और सिचुएशन है कि जो भी लास्ट उठाएगा, हुएवर पिक्स द लास्ट कॉइन ही विल लूज, हुएवर पिक्स द लास्ट कॉइन ही विल लूज। ओके, अब हाय मयंक, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन डालते हैं कि हम नंबर ऑफ कॉइन्स भी फिक्स कर देते हैं। सपोज देयर आर 30 कॉइन्स टोटल, करेक्ट? मिनिमम कोई बंदा कॉइन उठाएगा तो वो होगा 2, और मैक्सिमम जो बंदा कोई कॉइन, चलो मिनिमम 2 कर देते हैं और मैक्सिमम 5 कर देते हैं, ठीक है? किसी भी कंडीशन में, हेलो खंडेलवाल, किसी भी सिचुएशन में कोई भी बंदा अगर कॉइन उठाता है तो मिनिमम 2 उठा सकता है और मैक्सिमम 5 उठा सकता है। और एक बारी में, मतलब एक इन दोनों का पूरा जो सेट होगा ए और बी का कंबाइंड, तो वो एक बारी में 7 क्वेश्चन, 7 कॉइन्स आपके उठाएंगे ही उठाएंगे, करेक्ट? यही सारी कंडीशंस होती हैं। अब ए चाहता है कि वो जीते और बी चाहता है कि वो जीते, मगर कंडीशन है हुएवर पिक्स द लास्ट कॉइन ही विल लूज। यहाँ पे वैल्यू डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स पे डिपेंड करेगा और लास्ट कॉइन पे। ओके, चलो सिचुएशन लेते हैं, लेट स्टार्ट विद ए। मिनिमम 2 कॉइन उठाने हैं। सपोज करो ए पहली बारी में 2 कॉइन उठा लेता है, फर्स्ट चांस में, ठीक है? इन्हें 2 उठाए। अब बी के पास चॉइस है, वो 2, 3, 4, 5। तो अगर ए ने, और टोटल हमें एक बारी में, एक चांस में, दोनों के एक एक चांस में 7 कॉइन्स उठानी है। अगर ए 2 उठाएगा तो ऑटोमेटिकली बी को 5 उठाने ही पड़ेंगे, करेक्ट? फिर ए डिसाइड करते कि इस बार वो 3 उठाएगा, तो फिर ये वाला कितना उठाएगा? 4 उठाएगा।
अब कितने कॉइन्स खत्म हो गए? 2, 5, 7, 3, 10, 14 करेक्ट। अब ए दोबारा चाल चलता है, वो दोबारा दो उठाता है, तो बी को ऑटोमेटिकली पांच उठाने पड़ेंगे, तो अब कितने हो गए? 7, 7, 14, 14 और 21। अब हमारे पास बचे हैं 9 कॉइन्स। अब ये 3 उठाता है तो ये 4 उठाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट कॉइन बचे वो बचे 2 करेक्ट। यहाँ पे हमारे कितने कॉइन्स हो गए? 28 कॉइन्स हो गए 4 टर्न्स में, तो लास्ट कॉइन बचे 2, तो ऑटोमेटिकली कौन हार गया? ए हार गया करेक्ट। तो अभी इस सिचुएशन में ए हार गया क्योंकि लास्ट कॉइन ए के पास आके पड़ा। अब अगर अब ए दिमाग लगाता, अगर ए शुरू में मैक्सिमम उठा लेता तो शायद ए हार, तो बी हार जाता करेक्ट। हेलो देविका, अगर हम सेकेंड सिचुएशन ले कि मिनिमम 2 कॉइन उठाने हैं अभी भी, मैक्सिमम 5 एंड यू हैव 30 कॉइन्स इन टोटल, ए और बी है, हूएवर पिक्स द लास्ट कॉइन, हूएवर पिक्स द लास्ट कॉइन विल विन। इस बार हम लास्ट कॉइन विल विन कर देते हैं, ठीक है? हाय निकिता, हूएवर पिक्स द लास्ट कॉइन विल विन। अब ए सपोज करो ए फर्स्ट उठाता है करेक्ट, और उसको हारना है, अब जीतना है, तो अब वो पुरानी वाली चाल दोबारा चलेगा। ए मिनिमम कंडीशन से स्टार्ट करता है, टोटल 30 कॉइन्स है, एक चांस में दोनों के मिला के 7 कॉइन्स होंगे, ये 3 करता है, ये 4 होगा करेक्ट, ये 4 होगा तो ये 3 होगा करेक्ट, ये 2 होगा तो ये 5 होगा करेक्ट। तो लास्ट के जो कॉइन्स बचेंगे वो अगेन किसके पास आए? ए के पास आए, तो इस बार ए अपनी पुरानी वाली कंडीशन की वजह से ए जीत गया। अब अगर हम ये कर दें, इसी में थोड़ा सा चेंज लाते हैं, हूएवर पिक्स द लास्ट कॉइन विल लूज, हूएवर पिक्स द लास्ट कॉइन विल लूज, एंड वी आर स्टार्टिंग विद बी एंड ए से स्टार्ट करना है। तो अब अगर ए मैक्सिमम उठा ले, ए 5 उठा ले, तो बी के पास कितना बचेगा? 2 करेक्ट। अगर ए स्टार्ट्स विद द मैक्सिमम कॉइन और बी 2 हो, ए 5 बी, अब ए कुछ भी करे, अब ए 4 उठाएगा, ये 3 उठाएगा, ये फिर 5, फिर 2 करेक्ट, कितने हुआ? 25, 4, 3, 28 हो गए, ये तो यही हार गया दोबारा। अगर ये हर बारी मैक्सिमम उठाता तब क्या होता? 5, 5, 5, 5। ओके, हर बारी ए के पास ही आगे खत्म हो रहा है, तो ए विल लूज इन एवरी सिचुएशन करेक्ट। तो इसमें तो ए ही आता है हमेशा, ए विल लूज इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि जो लास्ट के कॉइन होंगे वो हमेशा ए के पास आके बच रहे हैं करेक्ट। हाँ या ना? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, छोटे कॉइन्स। ए के पास 10 कॉइन्स है, सॉरी, ओके, देयर आर टोटल 10 कॉइन्स एंड द मिनिमम नंबर ऑफ कॉइन्स विच यू हैव टू पिक इज 1 एंड द मैक्सिमम एनीवन कैन पिक इज 3 करेक्ट। मिनिमम 1, मैक्सिमम 3, ओके। ए बी, वी आर स्टार्टिंग विद बी नाउ, अगर बी को स्टार्ट करना है और लास्ट वाला जीतेगा, लास्ट पिकर विल विन, तो कैसे करेंगे बताओ? कौन जीतेगा अगर 10 कॉइन्स हैं तो?
अगर बी से स्टार्ट करना है और लास्ट पिकर विल विन, तो बी तो चाहेगा कि वही जीते, करेक्ट? तो कैसे करोगे डिस्ट्रीब्यूशन? फोर, एक बारी में दोनों को मिला, देखो जो सिचुएशन होता है वो होता है मिनिमम और मैक्सिमम को ऐड करके, फोर। तो इन वन चांस बोथ हैव टू पिक अ सम ऑफ फोर कॉइन्स, ये तो हमेशा होगा ही होगा। मिनिमम और मैक्सिमम की कंडीशन यही रहती है कि दोनों को ऐड करके जो क्वेश्चंस आते हैं वो उतने कॉइन्स यू हैव टू पिक इन वन चांस। वी हैव टू कवर लॉट ऑफ टॉपिक्स इन आवर क्लासेस ऑल्सो नाउ। दो नए टॉपिक मिल गए मेरे को भी पढ़ाने के लिए। बताओ कौन जीतेगा, ए जीतेगा कि बी जीतेगा? ए, चलो लकी ने बोला ए, बाकी लोग क्या बोलते हैं? लकी, ओके, अगर ए से स्टार्ट किया तो ए जीतेगा, करेक्ट? और अगर बी से स्टार्ट किया तो बी जीतेगा, वो वाली सिचुएशन हो गई। फिर तो सभी का ये आएगा, करेक्ट है? सपोज करो ए मिनिमम भी उठाता है तो बी को तो तीन उठाने ही पड़ेंगे। अगर ये तीन उठाता है तो ये एक, किसी भी सिचुएशन में जाओ तो ये होता है। चलो एक ऐसा पेयर बनाते हैं, ओके, 40 कॉइन्स है, मिनिमम वन मैक्स थ्री, ठीक है? मिनिमम वन मैक्स थ्री, ए एंड बी, लास्ट पिकर विल लूज, लास्ट पिकर विल लूज द गेम एंड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ए। अब बताओ क्या होगा? अभी और एक सेट में यू हैव टू पिक मैक्सिमम ऑफ फोर कॉइन्स। इस वाले सिचुएशन में कौन जीतेगा हमारा, ए की बी? यशी शाचन, आईपी मैट 2021 के लिए। अब अभी अनअकैडमी प्लान कर रहा है, अनअकैडमी इज प्लानिंग फॉर आई थिंक जो आपके ग्रेजुएट वाले लेवल के जो भी एंट्रेंसेस होते हैं उनके लिए, सबके लिए अनअकैडमी प्लानिंग कर रहा है। तो इट विल टेक सम टाइम, बट फॉर श्योर है कि इस साल स्टार्ट होंगे आईपी मैट के लिए भी। डोंट वरी, आईपी मैट है, डीयू जेट है, बाकी सारे हैं सबके लिए। इसमें कौन जीतेगा ए और बी में से, जल्दी बताओ? अगर ए से स्टार्ट करते हैं तो कौन जीतेगा? वेलकम यशी, एंड बाय द टाइम यू कैन स्टार्ट प्रिपरेशन ऑन योर ओन ऑल्सो। ए पक्का? लास्ट पिकर विल लूज, तो लास्ट पिक कौन करने वाला है? लकी? अरे लास्ट पिकर विल लूज,
कंडीशन है लास्ट पिकर विल लूज, तो जीतेगा कौन? अगर ए वन उठाता है तो बी थ्री उठाएगा, अगर ये टू उठाता है तो ये थ्री टू उठाएगा, ये थ्री ये वन, सारी पॉसिबिलिटीज यही है, करेक्ट? सारी पॉसिबिलिटीज हो गई, वन थ्री टू टू वन, तो बी तो हारने वाला है, बी विल लूज, करेक्ट? वी विल लूज द गेम, तो जीता कौन? ए विल विन। बी लास्ट पिक करता है तो वो हार जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली देखो अब यहां पे जो नंबर ऑफ कॉइन्स का सम है मिनिमम और मैक्सिमम का, वो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स को डिवाइड कर रहा है एग्जैक्टली इक्वल टाइम्स में, हाँ है ना? 40 कॉइन्स इज डिवाइडेड बाय 4, सो देयर विल बी 10 इक्वल सेट्स, करेक्ट? यहाँ पर 10 इक्वल सेट्स जनरेट होंगे, तो इसका मतलब है लास्ट वाला बी ही होने वाला है, हाँ है ना? तो वो हो गया। अब चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा ट्विस्टेड करेंगे इस बार। ओके, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 152, कॉइन्स बढ़ा दिए, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 152 है, मिनिमम समवन, मिनिमम ए और बी दो लोग हैं, मिनिमम दे कैन पिक 3 एंड मैक्स दे कैन पिक 9, ठीक है? मिनिमम 3 मैक्स 9, करेक्ट? ए स्टार्ट द गेम एंड द लास्ट पिकर विल विन, लास्ट पिकर विल विन, तो अब कैसे होगा? बताओ कौन जीतेगा इसमें? ए, करेक्ट, गुड, ए जीतेगा। देखो दोनों का सम मिला के हमेशा 12 आएगा, 3 और 9 12, करेक्ट? 152 को 12 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा? 8, जो 13th चांस होगा उसमें ए के पास जाएगा, और मैक्सिमम कोई भी बंदा कितने कॉइन पिक कर सकता है? 9, तो ऑब्वियसली ए सारे के सारे उठा लेगा तो वो जीत जाएगा, हाँ कि ना? ओके, तो गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर? मतलब कॉइंस में यही सिचुएशन है, इफ देयर विल बी सम मोर देन वी कैन, सबका ये आएगा। करेक्ट, सिंपल लॉजिक है। चलो एक और करते हैं, थोड़ा बड़ा नंबर रखते हैं इस बार, नंबर रखते हैं 210 कॉइन्स, ए बी दो लोग हैं, मिनिमम 4 मैक्स 11 मैक्स 7, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, इस बार बी से स्टार्ट करेंगे और लास्ट पिकर विल विन, लास्ट पिकर विल विन। पक्का ए आएगा? अगर हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं घनश्याला, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बी, हम लोग बी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम बी, अगर ये 4 भी उठाता है तो ये तो 7 उठाएगा ही उठाएगा, 7, ठीक है? 11, अगर 210 को 11 से डिवाइड करो तो कितना आता है? 19, करेक्ट?
तो 19 स्टेप्स तक तो 209 कॉइन हो जाएंगे। जो लास्ट कॉइन बचेगा वो वापस किसके पास आया? ए के पास आया, करेक्ट, सॉरी बी के पास आया। तो लास्ट पिकर विल विन, तो लास्ट वाले के पास तो एक कॉइन आया। मगर एक कंडीशन है, मिनिमम चार कॉइन होने चाहिए थे, तो ऑब्वियसली ए जीतता है। अब यहां पे कंडीशन क्या है कि मिनिमम चार कॉइन होने चाहिए थे, हाँ कि ना? मिनिमम वाला कौन होगा? मिनिमम चार कॉइन उठाने वाला जीतेगा। अब यहां पे क्या कंडीशन हो गई, देखो, अब जीतने के लिए मिनिमम चार कॉइन तो उठाने ही थे, तो लास्ट में एक्चुअली ये भी पूरे नहीं उठा पाया, ये भी एक कॉइन बचता है। तो अब क्या करें इस सिचुएशन के लिए, क्या करना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन पे अगर डिपेंडेंसी डालें तो ए विन कर जाता है, हाँ कि ना? ऐसी भी कंडीशंस क्रिएट होंगी जिनमें लास्ट कॉइन वाला दूसरा बंदा होगा, क्योंकि बी तो वापस उठा ही नहीं सकता ना। अब देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन अराइज हुई कि जो लास्ट कॉइन है वो एक बचा एंड बी कांट इवन पिक इट, करेक्ट? तो ऑब्वियसली कौन जीता? ए। तो घनशाला जी का जवाब बिल्कुल करेक्ट था, घनशाला जी को मिलते हैं पूरे कुछ नहीं। ठीक है गाइस, क्लियर हुआ? लकी, खंडेलवाल, बाकी लोग, यस, ओके गाइस, चलो चलते हैं, ये सेशन खत्म करते हैं। विल मीट एट 12:30 टुमारो मॉर्निंग, करेक्ट? टुमारो मॉर्निंग मतलब एक घंटे के बाद। चलो टाटा, बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू यार आने के लिए।